टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 35,000 रुपीज। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो अगर आपका बजट 35,000 के अंडर में है और आप जानना चाहते हैं कि इस बजट में कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है, कौन से स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 35,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को अपने लिस्ट में रखा है, जो बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, जिसमें हैवी लेवल का प्रोसेसर मिलेगा, टॉप नॉच का कैमरा होगा, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ एकदम टॉप नॉच का होगा। तो अगर आप इन सभी फोन्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं और आपको इस बजट में एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए, तो ये वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। तो फिर चलिए देखते हैं आज का वीडियो को। तो मैंने लिस्ट के 5वें नंबर पे रखा है Realme की तरफ से आने वाले Realme 12 Pro Plus 5G को। अगर आपको अभी के टाइम पे 30-32,000 के बजट में एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए, तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एंड काफी तगड़ा फीचर के साथ ये फोन आता है। क्या स्पेसिफिकेशन है इस फोन में, चलिए जानते हैं। तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस कर्व OLED डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट एंड 950 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। तो कर्व डिस्प्ले मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है, एंड रिफ्रेश रेट, ब्राइटनेस वगैरह सही है। तो अब कैमरा की बात करेंगे, तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 64 मेगापिक्सल का है जो कि पेरिस्कोप लेंस है, और वही सेल्फी कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में सोनी MX890 वाला सेंसर लगा हुआ है एंड सेल्फी कैमरा में सोनी MX615 वाला सेंसर लगा हुआ है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा, और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा के मामले में ये फोन काफी बढ़िया है, कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा। तो अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा, तो डिसेंट प्रोसेसर मिलेगा। बात करेंगे बैटरी का, तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 67 वाट का चार्जर को। लगभग 18-19 मिनट में 0-50% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को। रैम स्टोरेज की बात करेंगे, तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, तो इस फोन का बैक साइड वीगन लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 196 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 8.7 mm का थिकनेस है। तो बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में खूबसूरत भी लगता है, फिर भी डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। इसमें IP65 का रेटिंग मिलेगा, 3.5mm वाला जैक नहीं है। स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे, तो ये फोन रियलमी UI V5.0 के साथ आता है, जो कि Android 14 पर बेस्ड है। तो चलिए आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो दोस्तों, ये फोन तीन वेरिएंट में आता है। 8128 के लिए आपको 30,000 रुपया देना होगा, 8256 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 32,000 रुपया देना होगा, एंड 12256 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 34,000 रुपया देना होगा। तो 35,000 के अंडर में आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो दोस्तों, लिस्ट के 4th नंबर पे आता है मोटो की तरफ से मोटोरोला एज 50 प्रो 5G। अगर आपको 32-33,000 के बजट में स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आने वाला एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए, तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं, काफी तगड़ा फीचर के साथ ये फोन आता है। क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है, आइए देखते हैं। तो इसमें 6.7 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले मिलेगा, जो कि यह एक कर्व डिस्प्ले है। इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, और इसमें 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। तो कर्व डिस्प्ले के साथ साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है ये। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन काफी बढ़िया है, डिस्प्ले काफी लाजवाब का मिलेगा। तो अब कैमरा की बात करेंगे, तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 13 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 10 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा वो भी 50 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.4 का अपर्चर भी है, और इस फोन के कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। खास करके इस फोन का बैक साइड का कैमरा जो है वो काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा। तो अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 वाला प्रोसेसर मिलेगा। 4nm पर बना हुआ ये प्रोसेसर है और लगभग 8.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। स्कोर बढ़िया है एंड प्रोसेसर ठीक है। बैटरी की बात करेंगे, तो इसमें 4500 mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 125 वाट का चार्जर को। ये चार्जर आपके फोन को काफी तेजी से चार्ज करके देगा, लगभग 17-18 मिनट में आपके फोन को 0-100% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर। और रैम स्टोरेज की बात करेंगे, तो इसमें 8GB का रैम एंड 256
256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और बाकी बात बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक साइड इको लेदर का बना हुआ है एंड एल्यूमिनियम का फ्रेम है। 8.19mm का थिकनेस है एंड 186g इस फोन का वेट है। तो बिल्ड क्वालिटी वगैरह ठीक है एंड डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और ये फोन मोटो का है तो ऑफकोर्स ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जो कि रन करता है एंड्रॉइड 14 पर। और इसमें 3 ईयर का मेजर अपडेट मिलेगा एंड 4 ईयर तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है यानी कि वाटरप्रूफ फोन है। तो फिर आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो दोस्तों ये फोन दो वेरिएंट में आता है, 8256 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 32,000 रुपया देना होगा एंड 12256 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 36,000 रुपया देना होगा। तो मेरे ख्याल से इस फोन का बेस वेरिएंट सही होगा आपके लिए, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा इस चीज को। तो फिर चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट के 3rd नंबर पे आता है गूगल की तरफ से गूगल पिक्सल 7a। अगर आपको अभी के टाइम पे इस बजट में गूगल की तरफ से आने वाला एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं एंड इस बजट के अकॉर्डिंग सभी फीचर्स काफी लाजवाब का मिलेगा। तो ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है आइए देखते हैं। तो इस फोन का बैक साइड जो है ना वो प्लास्टिक का बना हुआ है एंड एल्यूमिनियम का फ्रेम है। 9mm का थिकनेस है एंड 193g का वेट है। डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है और बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी ठीक ही है। इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जिसके कारण इस फोन में एक भी फालतू का ऐप थ्रेड्स वगैरह नहीं दिखेगा और ये रन करता है एंड्रॉइड 13 पर। और हाँ, इसमें एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिल जाएगा और इसमें IP67 का रेटिंग मिल जाएगा। तो अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.1 इंच का फुल HD प्लस पंच होल OLED डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड इसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है एंड डिस्प्ले सही है। खैर अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 64MP का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 13MP का है और सेल्फी कैमरा वो भी 13MP का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर। दोस्तों कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इस फोन के कैमरा से कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें गूगल टेंसर G2 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5nm पर बना हुआ है और लगभग 7.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। स्कोर काफी बढ़िया है एंड प्रोसेसर इस बजट के अकॉर्डिंग ठीक है। वहीं बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 4300mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को। ये चार्जर चार्जिंग में हल्का फुल्का टाइम लेगा ही लेगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो इस फोन का प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 37,000 रुपया है। अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो ये फोन फिलहाल के टाइम पे आपको 34,000 रुपया में मिल जाएगा। और इस बजट में आने वाला यह भी एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में 2nd नंबर पे आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S22 5G। दोस्तों अगर आपको 35,000 के बजट में सैमसंग की तरफ से आने वाला एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। और इस बजट में आने वाला ये एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है आइए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो इस फोन का बैक साइड वो ग्लास का बना हुआ है एंड एल्यूमिनियम का फ्रेम है। 7.6mm का थिकनेस है एंड 168g इस फोन का वेट है। तो काफी स्लिम एंड लाइट वेट सा फोन है और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है। इसमें IP68 का रेटिंग मिलेगा यानी कि वाटरप्रूफ फोन है। इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। वैसे ये फोन एंड्रॉइड 12 के साथ आता है बट एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिल जाएगा इसमें। तो अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.1 इंच का फुल HD प्लस डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 1300 nits का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन भी है। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन काफी बेहतर है, डिस्प्ले काफी लाजवाब का मिलेगा। कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50MP का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 12MP का है, थर्ड कैमरा 10MP का है और वहीं सेल्फी कैमरा वो भी 10MP का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा।
मिलेगा। और पीछे का कैमरा से मैक्सिमम 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 24fps पर, और 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे आगे पीछे दोनों कैमरा से 30fps पर एंड 60fps पर। तो नो डाउट कैमरा काफी लाजवाब का मिलेगा, सैमसंग कैमरा डिस्प्ले वगैरह के लिए जाना जाता है, तो हाँ कैमरा सही है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला प्रोसेसर मिलेगा। गाइस ये प्रोसेसर 4nm पर बना हुआ है और लगभग 8.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। प्रोसेसर काफी पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर ठीक है। वहीं बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 3700mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को। यहाँ पे ज्यादा एमएच का बैटरी तो नहीं है, मेरे ख्याल से कम 4500mAh का बैटरी तो होना चाहिए था। खैर कोई नहीं, रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ये इस फोन का बेस वेरियंट है एंड इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 34,999 रुपया है, यानी कि 35,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। इस फोन का टॉप वेरिएंट भी आता है 8256 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 40,000 रुपया है। तो 35,000 के बजट में सैमसंग की तरफ से आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में आखिरी एंड सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आता है iQOO की तरफ से, iQOO Neo 9 Pro। दोस्तों फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको 35,000 रुपया में आराम से मिल जाएगा एंड इस बजट में आने वाला यह एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। काफी फ्लेक्सिबल फीचर के साथ ये फोन आता है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो बैक साइड ग्लास और इको लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 8mm का थिकनेस है एंड 190 ग्राम इस फोन का वेट है, तो काफी स्लिम एंड लाइट वेट सा फोन है। डिजाइन वाइज फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है, तो बिल्ड क्वालिटी वगैरह से कोई भी शिकायत नहीं होगा। इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन फन टच 14 के साथ आता है जो की एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। तो अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो की पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 3000 का पीक ब्राइटनेस दिया गया है और HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाएगा। डिस्प्ले काफी कमाल का मिलेगा एंड रिफ्रेश रेट ब्राइटनेस वगैरह बढ़िया है। तो अब कैमरा की बात करेंगे तो बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50MP का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8MP का है और सेल्फी कैमरा वो 16MP का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.9 का अपर्चर है। पीछे का कैमरा से मैक्सिमम 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे वो भी 30fps पर। तो दोस्तों इस फोन का प्राइमरी कैमरा काफी बढ़िया मिलेगा एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा वो एवरेज टाइप का है और सेल्फी कैमरा वो भी ठीक ही है। खैर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 4nm के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और लगभग 15 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। नो डाउट प्रोसेसर काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा एंड स्कोर भी काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है। अगर आपको इस बजट में एक अच्छा तगड़ा गेमिंग फोन भी चाहिए तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खैर अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5160mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 120W का चार्जर को। लगभग 10 मिनट में 0-50% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को, तो ये काफी अच्छी बात है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और फाइनली बात करेंगे प्राइस का तो इस फोन का प्राइस Amazon पर फिलहाल के टाइम पे 34,999 रुपया है। और गाइस 35,000 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। और वैसे भी अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।